दिमाग को हिलाने वाली इंजीनियरिंग आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि ये पानी उधर से आ रहा है, वहां से आ रहा है पानी, ये वही पानी है। जी नहीं दोस्तों, ये वो पानी नहीं है, आप बिल्कुल गलती कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रक बैन, लेकिन यहाँ पे ट्रक भी आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे कर रही है। ये देखिए, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, ये तो है जी रिवर, ये है जी एक नहर, एक नहर देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं ये नदी, ये पक्की नहर है और ये नदी है, इसका पानी इधर नहीं आ रहा, आप गलती खा रहे हैं यहाँ पे। और ये है जी अपनी अलग नदी, ये देख सकते हैं आप, ये अलग तरीके से जा रही है यहाँ से, ये यहाँ से जब जाती है ना, आप देखिए यहाँ पे स्लोप बन रहा है पानी का, और उधर पानी जाके उछल जाता है। ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा था ना, ये अलग नहर है भाई, ये नहर आ रही है अलग, उधर से आप देख सकते हैं, उधर से नहर आ रही है, इसके फाटक है उधर, और ये है जी अलग नदी, है ना कमाल की इंजीनियरिंग। और आप देखिए यहाँ पे ये पानी आपसे मिक्स क्यों नहीं हो रहा, आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मिक्स क्यों नहीं हो रहा। मेरे साथ रिंटा भाई है, तो रिंटा भाई बताएं मिक्स क्यों नहीं कर रहे इसको। दर्शन जी बात ऐसे है ना जो, हाँ। ये दो उसमें है, एक तो सतलुज है, एक ये दूसरी जो नहर आ रही है जी जी। ये जो बीच में आप पोर्शन देख रहे हो ना, ये वाला जी जी, जी ठीक है, यहाँ पे एक ना अंडर करके ना, उसके वहां से अंडर किया और यहाँ पे इसको निकाल दिया है, और ये ऊपर से दूसरी इसकी नदी बह रही है जी जी, ये हिमालय से आ रही है। हाँ, जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, तो आप बताएं ये इसको नीचे से क्यों निकाला गया है? सर ये तो जो इंजीनियर की है जिसने, उसने टेक्नोलॉजी दिखाई होगी, उसको पता होगा ज्यादा अच्छे से, उसने क्यों इसको नीचे से निकाला, इसका तो मैं आंसर आपको नहीं दे पाऊंगा। अरे भाई मैं आपको देता हूँ भाई, ये जो है ये अलग फ्लो पे जा रही है, ये बाखड़ा बांध है जो कि आजादी के बाद का सबसे बड़े बांधों में से एक बांध था, जो कि नेहरू ने आज से 70 साल के आसपास हो चुके हैं, 65 के आसपास हो चुके हैं इसको बने हुए। और आप यहाँ पे देखिए, इसको अलग तरीके से निकाला गया ताकि पूरे पंजाब को, पंजाब के बाद हरियाणा को पानी यहाँ से दिया जा सके, उसके बाद दिल्ली तक ये पानी जाता है, अलग अलग तरीके से राजस्थान तक ये पानी जाता है। अगर वो पानी इसके अंदर मिक्स कर देते तो ये पानी ऐसे ही बह बू के सीधा पाकिस्तान चला जाता, तो भाई अलग अलग जगह चला जाता, क्योंकि हमारा जो ब्यास नदी है, ऐसी और नदियां हैं, उनका पानी भी ऐसे ही वेस्ट चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कमाल की इंजीनियरिंग की गई है, बांध बना के उन पानियों को इतने अच्छे तरीके से मैनेज, इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है, देख सकते हैं ये उछल के भी आने का यहाँ पर इस तरीके से कारण है। और आपको हल्का सा यहाँ पर स्लोप भी दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये पानी अलग है, वो पानी अलग था, वो उधर इसका बांध बनाया गया है। और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये लोकेशन कौन सी है, लोकेशन भी आप नोट करके खुद यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो व्यू है बहुत ही गजब का है, बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए हिमालय से जब पानी आता है कितना शानदार लगता है, ये देखिए नीला पानी है, ये देखिए बहुत बढ़िया, और ऊपर से एक शानदार ये पुल गुजर रहा है, ये देखिए ये है जी अपने आनंदपुर साहब, रोपड़ और आनंदपुर साहब के बीच में पड़ता है पंजाब में, यहाँ की इंजीनियरिंग है। कीर्तपुर साहब यहाँ पे बिल्कुल पास में पड़ता है। अब आया भूपिंदर भाई आपको समझ में, रिंटा भाई बिल्कुल क्यों हुआ, सबसे अच्छा क्या लगा आपको यहाँ पे? बस अच्छा तो यही है दर्शन जी, यार कमाल की टेक्नोलॉजी में आप जैसे वीडियो में देखा एक पुल बना रहे थे नदी के ऊपर, और बीच नीचे से कैसे निकाल दिया चलते पानी में, यार बिल्कुल बिल्कुल, ये सोचो उस टाइम भी पानी तो चल ही रहा होगा बिल्कुल, और जब इसको कंस्ट्रक्ट किया गया होगा तब भी इसको कैसे किया गया होगा, और आज से 65-70 साल पहले इतनी कमाल की इंजीनियरिंग करना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत यूनिक बात है। और ये पुल भी इसी टाइम का लगता है दर्शन जी, देखो ऐसे ही पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल, ये पुल भी आज से 65 साल पुराना है, आज भी चल रहा है, ये देखिए बहुत बढ़िया, ये देखिए पानी, देखिए पानी कितना शुद्ध है, पानी कितना शुद्ध है, कमाल है ना, वो देखिए बिल्कुल नीला पानी है, बिल्कुल नीला पानी है। आजकल हमारा जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो पानी का ही नुकसान हुआ है, पानी में बहुत गंदगी आई है, मैं आपको बहुत सारे मैंने जगह देखी है जहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी डालते हैं, पहाड़ों से ही गंदगी डलनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अभी मैं मनाली से आऊँ, वहाँ पर इतनी गंदगी लोग हमारे डालते हैं, बोतलें ऐसे ही छोड़ देते हैं, और उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। देखिए कितना शुद्धता है पानी में, और ये कमाल की इंजीनियरिंग हमने आपको दिखाई, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बस अब आपके भरोसे आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ, अच्छी अच्छी लोकेशनें जो भारतीय
मीडिया में नहीं आती हैं, अच्छी जगह नहीं देखने को मिलती हैं, तो वो मार्वल्स हम आपको दिखा पाएँ। इस वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करें, बहुत बहुत धन्यवाद। फॉलो भी करें अगर आप ऐसी वीडियोस दोबारा देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।